अज्ञात कारणों से तहसील परिसर में भीषण आग लगी है। श्रावस्ती से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, परिसर में बने वकीलों के चैम्बर में आग लगी। वकीलों के चैम्बर में रखा तख्त व कुर्सी जलकर राख हुआ। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। टीम ने आग पर पाया काबू। मलहीपुर थाना क्षेत्र के जमुनाहा तहसील का मामला। नवीन मॉडर्न पुलिस को मिली सफलता। श्रावस्ती से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 25,000 रुपए का इनामिया लुटेरा गिरफ्तार हुआ है। लुटेरे के कब्जे से कैश भी बरामद किया गया है। अभियुक्त अमरचंद सोनकर पर था इनाम। कई मामलों में पुलिस को थी शातिर की तलाश। कटही गांव के निवासी हैं। नवीन मॉडर्न पुलिस को सफलता मिली है। श्रावस्ती से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नोएडा बस डिपो से सरकारी बस हुई चोरी। पूर्व ड्राइवर बस अड्डे से चुरा ले गया बस। संविदाकर्मी ड्राइवर ने घटना को अंजाम दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एआरएम के 10,000 बकाया ना देने पर की चोरी। डुप्लीकेट चाबी बनवाकर घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने ड्राइवर को अरेस्ट कर बरामद की बस। सेक्टर 24 थाना क्षेत्र स्थित मोरना बस अड्डे की घटना। T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश से भारत का अहम मुकाबला आज। हारने पर बिगड़ जाएंगे समीकरण। भारत के लिए आज का मुकाबला जीतना जरूरी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जीतने पर सेमीफाइनल का टिकट होगा पक्का। T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश से भारत का अहम मुकाबला आज होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हारने पर समीकरण बिगड़ जाएंगे। ग्रेटर नोएडा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। जेवर टप्पल रोड पर ट्रक ने मोटरसाइकिल में मारी टक्कर। मोटरसाइकिल सवार एक की मौत, दो लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है। साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने जांच के आदेश दिए। जेवर थाना क्षेत्र का मामला। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।